ओम शांति। मेरा नाम हिमांशी है, मैं पपरोला निवासी हूँ। मैं यहाँ पे बाबा के ज्ञान में 21 मार्च 2021 को चली थी। बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराया। मैं बाबा का भी छोटा बच्चा हूँ। बाबा ने मेरे को इतनी जल्दी मधुबन पहुँचाया, इतनी जल्दी बाबा ने मेरे को प्यार दिया। बाबा हमेशा मेरी मदद करते हैं। एक बार मैं जब बाबा के ज्ञान में चली स्टार्टिंग में, तो बाबा ने मुझे, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बाबा के ज्ञान में ज़रूर चलूँगी। उस दिन मैंने बोला कि मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तो 21 मार्च का दिन था, उस दिन मैं पेपर दे के आई और उसके बाद जो है बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़। जब बारिश हुई तो मैंने बोला कि आज मैं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बाबा के ज्ञान के लिए ज़रूर जाऊँगी। और मैं यहाँ आई। उस दिन गुलजार दादी का 13th डे था। 13th डे को जब मैं ऊपर आई तो मेरे को, मैं नीचे दरवाजे बंद थे तो मैंने सोचा जाना कहाँ से होगा। फिर जब मैं अपने घर ही जा रही थी इतनी देर में, तो इतनी देर में मेरे को एक बूढ़े बाबा दिखे। बूढ़े बाबा ने मेरे को रास्ता दिखाया, बोला यहाँ से जाना है बच्चे। और मैं अपना शूज़ डालने में बिज़ी हो गई। जैसे मैं ऊपर आई मैंने सोचा कि वो बूढ़े बाबा किधर गए, तो मेरे को पता ही नहीं लगा वो बूढ़े बाबा किधर गए। ये बात मैंने बाद में फील करी कि बाबा ने मेरे को अपनी झलक दिखाई। फिर उसके बाद मैं ऊपर आई और मैंने दीदी से ज्ञान लिया। मैं अपने आप को इतनी लक्की मानती हूँ ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ के, कि ब्रह्मा कुमारीज में जुड़ के मेरा जीवन इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि बाबा ने मेरे को स्पष्ट सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया है। बाबा ने मेरे को पहले दिन ही मधुबन की मिठाई दिलवाई, ज्ञान रतन दिलवाए और ब्रह्मा भोज दिलवाया। मैं बाबा के ज्ञान में चल के बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करती हूँ अपने आप को। और मेरा मधुबन का एक्सपीरियंस वो मेरा बहुत अच्छा रहा। 1 साल का मैं बच्चा और बाबा के घर मधुबन में चली गई। बाबा ने मेरे को वहाँ पे सतयुग दिखाया और बाबा ने मेरे को जानकी दादी का प्यार दिलवाया। बाबा ने मेरे को अतिंद्रिय, मतलब बोलते हैं ना, सुख की जो अनुभूति होती, आनंद की अनुभूति, बाबा ने मेरे को बहुत अच्छे से करवाई। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगी यूथ को कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हैं तो आपका ज्ञान तो ज़रूर पक्का होता है। आपका जो लौकिक ज्ञान है, जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तो ज़रूर पक्की होती है, लेकिन आप मेडिटेशन से कूल एंड काम रहते हैं और आप हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल करना सीख जाते हैं। ओम शांति।